اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सलामती और अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की बरकत है आप सब पर हो। मैं दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से। अल्लाह सुबहान व ताला आपको ठीक रखें, खुश रखें, खैरियत से रखें। अल्लाह सुबहान व ताला आपको तौफीक दें, मुझे सबको तौफीक दें कि हम कुरान को तिलावत करें सही। कुरान में जितने रूल्स हैं उन रूल्स को अच्छी तरह जान लें। कुरान में जितने तजवीद रूल्स हैं उनको अच्छी तरह पहचान लें। कुरान में जितने तजवीद रूल्स हैं उनको सही ठीक और ठीक तरीक़े से उनको अप्लाई करें, इनको अदा करें, इनको पहचान कर तिलावत में हम अदा करें। जहाँ पर मद हैं वहाँ पर मद करें और उसमें भी आप फ़र्क भी पहचान लें, मदूद में फ़र्क को पहचान लें। गुन्ना जहाँ पर भी हो वहाँ पर भी जो फ़र्क है गुन्ने में, क्योंकि उनमें अकसाम है, उनको भी पहचान लें। गुन्ना अकमल गुन्ना है या कामिल गुन्ना है इसको अच्छी तरह जान लें। मखारिजुल हुरूफ जिनको अभी तक याद नहीं है, आप यूट्यूब में जाएँ, रियान महमूद मखारिज इन उर्दू यह टाइप इन करें और वहाँ से यह सीखना शुरू करें इंशाअल्लाह। मखारिजुल हुरूफ, सिफातुल हुरूफ जिनको याद नहीं है उनको भी देखना शुरू करें, समझना शुरू करें, लिखना भी शुरू कीजिए इंशाअल्लाह। जितने भी रूल्स हैं इनको लिख कर रखें। जो भी अय्याम बाकी है, जो भी हफ्ते बाकी है, महीने बाकी है इस साल में इंशाअल्लाह, इसी के अंदर इस साल ख़त्म होने से पहले पहले इस किताब को भी टुवर्ड्स रीडिंग द कुरान बुक टू इसको भी ख़त्म करेंगे और इसके साथ जुज़ अम्मा को भी ख़त्म करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ख़त्मुल कुरान भी इस साल हम करने वाले हैं। अगरचे इब्तदाई साल में मैंने ये कहा था कि 2014 और 15 एक साथ मिला के सिलेबस को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन फॉर नेक्स्ट ईयर इंशाअल्लाह इसमें और तब्दीली लाएँगे जो आप खुद देख पाएंगे व्हेन वी डू स्टार्ट नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। लेकिन इस साल पे कंसंट्रेट करते हुए ख़त्मुल कुरान भी मैं इंशाल्लाह करना चाहता हूँ और जुमरात को भी ख़त्मुल कुरान करेंगे और जुमे का दिन क्यू फैक्टर का दिन उसमें भी मश्क के साथ साथ वोकल प्रैक्टिस के साथ साथ ख़त्मुल कुरान भी शामिल रखेंगे। सो दैट वी फिनिश द कुरान बाई द एंड ऑफ द ईयर इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। अल्लाह सुबहाना व ताला तौफीक दे मुझे भी आपको भी सबको। और ये देखिए आप लोगों को बताते रहें, एडवर्टाइज़ करते रहें इकरा विद इकरा को और जो हैं लोगों के सामने आप बताएं कहें वो भी देखना शुरू करें। लोगों को वैसे अल्हम्दुलिल्लाह इकरा विद इकरा के बारे में पता है सबको, काफ़ी लोगों को माशाल्लाह अक्सर लोगों को याद है, लेकिन उनको देखने का शायद मौका ना मिलता हो तो वो मौका आप बनाएं, वो मौका आप बनाएं। एंड अगर आप कामों पे होते हैं तो इनको इसको रिकॉर्ड पे डालकर आप काम पे जाएं, रिकॉर्ड पे रख कर आप जाएं और फिर वापस घरों में आके एक सेगमेंट हो या दो सेगमेंट हो जो भी हैं वो देखना आप शुरू करें। स्टार्ट वॉचिंग, कुरान को सही करें। दैट्स व्हाट आई से, इल्मुल क़िरात, इल्मुल कुरान इसको सही करें, इल्मुत तजवीद इसको सही करें। इस कुरान में क्या है और रूल्स के एतबार से वो भी जान लें और तर्जुमे के एतबार से और तफसीर के एतबार से खुलासा जो है उसको भी मालूम करने की और अचीव करने की हासिल करने की कोशिश कीजिए। और ये तब हो सकता है जब आप पाबंदी के साथ और शौक़ के साथ और ज़ौक़ के साथ इकरा विद इकरा आप देखेंगे सीखने के लिए और इस नियत को यह रखें आई वॉन्ट टू लर्न द कुरान, आई वॉन्ट टू बेटर द कुरान। अगर नियत यह होगी अल्लाह सुबहान व ताला फिर तब जग आप देखेंगे दैट अल्लाह ओपन्स द डोर्स, वो जो बंद दरवाजे हैं जो आप देख रहे जो आपके सामने उसको अल्लाह खोल देंगे इंशाल्लाह एंड यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इजी। आज लेसन नंबर 14 से शुरू करते हैं, शुरू वैसे कर चुके हैं यस्टरडे, कंटिन्यू करते हैं लेसन नंबर 14, फिर लेसन 15 पे जाएंगे और लेसन 16 पे इंशाल्लाह। लेट्स सी हमारे साथ नेक इस सेगमेंट पे व्यूअर्स में से कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी मिसेस रहमान जी ओके लेट्स हैव द फर्स्ट वर्ड फॉर मिसेस रहमान अल्हम्दुलिल्लाह जी रूल्स प्लीज नूनेर के तस्ती दसे डबल लेटर डबल सा नून आकमल गुन्ना राइट आफ्रे फिला सुग्रा हाँ हार उफ्रे लोग दम्मा आर मदन नाम मद्दे सिला सुग्रा सुग्रा अब्सोल्युट फाइन्नहु नेक्स्ट वर्ड प्लीज नबज़ाहू जी नबज़ाहू हा रूल हा उसे लॉन्ग दम्मा हाँ मदन नाम सिला सुग्रा मद्द सिला सुग्रा हाँ नेक्स्ट वर्ड प्लीज वज़ाहू वज़हाहू जी रूल जीम मेरे को सुकुना से जीम कल कला सिफत कल कला वहाँ हार उसे लॉन्ग दम्मा वही मदन नाम है मदद सिला सोरा मिसेस रहमान जज़ाकुमुल्लाह थैंक यू सो मच वाल सलाम जी नेक्स्ट कॉल नेक्स्ट व्यूअर पे चलते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वाल सलाम जी जारा जी आप खैरियत से हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ आप ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं भी ठीक ठाक हूँ शुरू कीजिए प्लीज लेसन 14 जी अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी इसमें क्या है जिम के ऊपर ये कलकला सुग्रा है ये भी याद रखिए कलकला सुग्रा क्योंकि हर्फ कलकला दरमियान में है मिडल में है और राफुल मौत लेटर है उसके ऊपर फतह है और हा के ऊपर स्टैंडिंग दमा है और इसको क्या कहते हैं दूसरा सिला सुग्रा मद्द सिला सुग्रा कहते हैं बिल्कुल जो हा ऊपर लोग दम्मा हो मद्द सिला सुग्रा है ठीक है जी नेक्स्ट वर्ड सुबहानाहू सुबहानाहू जिसमें क्या है वो बाद जो है वो कलकला हाँ वो याद रखिए कलकला सुग्रा है कलकला सुग्रा और हा के ऊपर स्टैंडिंग दम्मा है और स्टैंडिंग दम्मा नहीं है स्टैंडिंग फतह है और दूसरे के ऊपर हा के ऊपर जो है वो भी हाफ उल मत लेटर है इसमें क्वालिटी इस्तेमाल है और हा के ऊपर ये देख कौन फुल माउथ है कहाँ पर फुल माउथ है हा तो फुल माउथ नहीं है बिल्कुल नहीं है ना ये सारी सारी तो इसके ऊपर स्टैंडिंग फतह है हाँ। और जो आखिर वाला हाँ उसके ऊपर सिला सुग्रा है मद्द सिला सुग्रा ये मद का नाम मद्द सिला सुग्रा ठीक है सुबहानहु नेक्स्ट वर्ड प्लीज नेक्स्ट वर्ड रब्बहु हाँ तो इसमें क्या है इसमें राफुल मौत और बा के ऊपर तश्दीद और दम्मा डबल साउंड डबल लेटर और अकमल गुना और हा के ऊपर वही मद सले मद्द सिला सुग्रा मद्द सिला सुग्रा हा के ऊपर लॉन्ग दम्मा है तो मद्द सिला सुग्रा बा के ऊपर तश्दीद है डबल लेटर डबल साउंड जी जी बताया थैंक यू सो मच जारा जी थैंक यू दुआ में याद रखो अल्लाह हाफिज जी नेक्स्ट कॉल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी मिसेस रुकमान खैरियत से आप जी भाई आप ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ थैंक यू लेसन 14 शुरू कीजिए प्लीज जी
وَمْرَأَتُهُ جس میں بتائیں کیا ہے رَعَ فُلْ مَوْتْ لیٹر ہے ہَا پہ مَدِ سِلَا سُغْرَ اہاں اور یہ جو الف جو واو اور میم کے درمیان میں ہے بیچ میں ہے یہ حمزت الوصل ہے حمزت الوصل ہے بالکل اور بھی ایک رول ہے وَمْرَأَتُهُ میں وَمْرَأَتُهُ राफुल मौत लेटर है वो तो आप कह नहीं वो तो है वो आप कह चुकी है इसके अलावा नहीं समझ आ रहा भाई अच्छे देखिए ना मीम पे सुकून है जी हाँ ये तो समझ अच्छा जी तो मीम पे सुकून तो क्या हुआ उसमें वहाँ पे जॉइंट नहीं 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 नहीं, नहीं 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 वो नहीं मीम साकिन का इजहार है जी मीम जी 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 है ना جی جی ہاں میم ساکن کے بعد نہ تو با ہے نہ تو میم لہٰذا میم ساکن اظہار اظہار صفی ہے ہاں بالکل جی نیکسٹ ورڈ رحمتہُ پھر سے رحمتہُ ہاں رحنی ہے رحمتہُ رحمتہُ تو اس میں کیا ہے اس میں رافِ فتح ہے فل موت لیٹر ہے ہا پہ سکون میم پہ فتح تا پہ دمہ ہا پہ مد سلہ سغرہ مہا پہ جو مد ہے مد سلہ سغرہ ہے بے شک جی نیکس ورڈ یحرفونہ ہاں اس میں کیا رولز ہے مسز لقمان اس میں را ایم ٹی موت ہے اور را پہ کسرہ ہے اور فا پہ وا مدہ ہے مد تبی ہاں تو جی ٹھیک ہے مد کیونکہ واو مدہ ہے جی واو مدہ ہے فا کو ٹو کونٹ لمبا کریں گے مد تبی اصلی طبیعی ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ مسز لقمان تھینک یو پھر انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں نیکسٹ ویور کے پاس جائیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مختار جی خیریت سے آپ الحمدللہ آپ سنا ہاں صحیح بالکل ٹھیک صحت ٹھیک ہے جی الحمدللہ پاکستان میں سب ٹھیک ہیں سب ٹھیک ٹھاک چھوڑ آئی ہوں میرا کل فون ملا پر کاٹ گیا ہاں ہاں بالکل بالکل مجھے پتا ہے چلو اچھی بات ہے واپس آ گئی آپ اور الحمدللہ ٹھیک ہیں آپ صحت بھی ٹھیک ہے گھر والے بھی سب ٹھیک ہیں واپس اب صحیح سلامت پہنچ بھی گئے ہیں آپ الحمدللہ وچ از گریٹ اب جو ہے آپ کے سب ٹھیک ہیں ادھر جی جی بالکل فرسٹ کلاس اللہ میاں ٹھیک رکھے آمین آمین لیسن 14 ہے مختار جی شروع کرتے ہیں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعادتو موعودتو موعودتو تو موعودتو میں کیا ہے جی واو مدان واو لین ہے کیوں کیونکہ واو کے پہلے فتح صحیح اس لیے واو لین ہے اگے مدے صلہ صغرا تو یہ واو لین ہے جی جی تو اس میں صفت لین بھی ہے صفت لین بھی ہے جی ٹھیک ہے اور حمزہ پہ مد صلہ صغرا نہیں نہیں حمزہ پہ صلہ صغرا نہیں ہے اگر یہ لونگ دمہ جو ہے جی اگر ہا پہ آئے ہا پہ تب جا کے مد صلہ صغرا حمزہ پہ آنے سے مد صلہ صغرا نہیں ہے اچھا اچھا پھر نہیں بنتا نہیں پھر نہیں صرف ہا پہ آنے سے اچھا دال پہ فتح شور سور اور تا پہ فتح شور وہ تو ٹھیک ہے آپ کو یاد ہے ماشاءاللہ نیکسٹ ورڈ پلیز یعرفونہُ ہاں را ایم ٹی ماؤ تھا کیونکہ اس لیے را کے نیچے کسرا اور فاو پہ دمانا تے اگے مد اصلی تبے یہ واو واو سکون ہے جی واو ساکن ہے تو یہ مد اصلی تبے ٹھیک ہے جی اور اینڈ میں والا وہ مد صلہ صغرا ہاں چونکہ یہ لونگ دمہ یہ ہا پہ ہے اس لیے
All right, very good. जी, next word. बदला। हाँ जी, इसमें क्या है? ये जो दाल है ना, ये डबल लेटर डबल साउंड है, इसलिए कि दाल के ऊपर तशदीद है। तशदीद है। आगे जो एंड वाला ना, वो यही है मदे सिला सुगरा। सही, जज़ाकअल्लाह मुख्तार जी, जज़ाकअल्लाह, दुआओं में याद रखना। अल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज जी। नेक्स्ट व्यूअर के पास जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मैं नसरीन बोल रही हूँ लंदन से। नसरीन जी लंदन से, खैरियत से आप? जी खैरियत। अच्छा नसरीन जी, फर्स्ट टाइम कॉल है? नहीं नहीं, मैं पहले मिसेज अहमद कहलवाती थी, पहले बहुत पहले करती थी, लेकिन अभी मैं गई हुई थी हॉलीडे पे 2-3 महीने के लिए। अच्छा, कहाँ गई थी आप? पाकिस्तान। अच्छा माशाल्लाह, चलो अच्छी बात, सब ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत खूब जी। नसरीन जी, फिर आपके लिए लेसन 14 से कुछ अल्फाज पेश करते हैं जी। रिस्काहू। हाँ, इसमें क्या है? रा के नीचे कसरा है, जे के ऊपर। अच्छा, रा के नीचे कसरा है, तो कसरा जो है एम्प्टी माउथ से। हाँ, रा एम्प्टी साफ्ट है। नहीं 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 नहीं, रा एम्प्टी माउथ है, ठीक है। रा के नीचे कसर, रा का जो कायदा है उसमें रा के नीचे कसरा आने से रा एम्प्टी माउथ, इसको एम्प्टी माउथ से अदा करते हैं, बारीक आवाज से अदा करते हैं, ये सही है। लेकिन कसरा जो, इसका रूल क्या है? मुझे नहीं, मुझे याद। शॉर्ट साउंड है, शॉर्ट साउंड। हाँ, आवाज को मुख्तसर रखते हैं, आवाज को लंबाई नहीं कर, इसको आवाज को लंबा नहीं करते हैं, लंबाई नहीं है इसमें। अच्छा, ठीक है। जा के ऊपर सुकून है आपने कहा जी, तो इसका क्या मतलब? इसको ये मिलाना है रे के साथ, रा रे नहीं, रा के साथ इसको मिलाते हैं, रा के साथ मिलाना है इसको। सुकून का मतलब ही कि वो रा के साथ मिलते हैं जी, पहले हरफ के साथ उसको मिलाना पड़ता है जी जी। और इसके बाद क्या है? के ऊपर फतह है और है सिला सुगरा। हाँ ठीक है, और हा के ऊपर क्या है? दम्मा है वो। अच्छा, ये लॉन्ग दम्मा है, लॉन्ग दम्मा जी, लॉन्ग दम्मा है, ठीक है। तो लॉन्ग दम्मा हा के ऊपर, तो इस मत को फिर लॉन्ग हासिला मद सिला सुगरा है, मद सिला सुगरा, तो हा को लंबा करते ना, अदरवाइज ना जी। ओके okay. अच्छा, रिज़्क़ा हू। अच्छा, इसमें और एक रूल भी है जी, इसमें और एक रूल भी है जी। क्या आपको नहीं पता? नहीं। अच्छा, ये खाफ जो है ये फुल माउथ है। ओके, काफ ये फुर आवाज है, इसलिए काफ हर वक्त जो है यह फुल माउथ है, और वो इसलिए कि इसमें इस्तेआला की सिफत है जी, इसमें इस्तेआला सिफत है, सिफत इस्तेआला है काफ में, इसलिए। ओके लवली, नेक्स्ट वर्ड प्लीज। तलवूना। तलवूना जी, तलवूना में क्या है? सॉरी, तलवूना में रूल क्या है? तलवूना में रूल बताएं। ते के ऊपर नहीं, ते ते नहीं है, ता है, था ता के ऊपर फतह है। सही, लाम के लाम के ऊपर। ये देखिए, अगर आप ता के ऊपर फतह है तो फतहा का रूल भी साथ साथ बता दीजिए। ये सौ शॉर्ट साउंड है, शॉर्ट साउंड है, ठीक है। और ला के ऊपर वो ला नहीं है, ला नहीं है, लाम 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 के ऊपर जजम है, और जजम जजम नहीं है, सुकून है, सुकून है जी। आज नहीं, जजम भी कह सकते हैं, लेकिन सुकून है। हाँ, सुकून भी याद रखिए जी, सुकून है, और वो ता के साथ लाम को मिलाना है। हाँ हाँ, और वाव के ऊपर वो है दम्मा है जो, इसको लॉन्ग दम्मा, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन दम्मा के या इन्वर्टेड दम्मा आप कह दे, तो इसको वाव को लंबा करेंगे फिर, करेंगे जी। ओके okay. और नून के ऊपर फतह है।
हाँ तो ये शॉर्ट साउंड है जी। हाँ जी, तो ये आप ये जरा यूज्ड टू हो जाए, फतह कहकर फौरन शॉर्ट साउंड सुकून है, माकबल हर्फ से मिलाते हैं, लॉन्ग दम्मा है इसको लंबा करते हैं, नून पे फतह, तो ये जो है इन हरकात को नाम कह के इनका जो रूल है वो भी बता दीजिए साथ साथ। मैं नसरीन जी, थैंक यू सो मच। अभी एक आध और बता दें ना फिर जरा। ठीक है, फिर लेट्स हैव अनदर वर्ड फॉर मी नसरीन जी, प्लीज अनदर वर्ड फॉर हर। वाहूरिया। अच्छा, ये जो वा है जी, इसको फर्स्ट फर्स्ट वाव को लंबा ना करें। अच्छा, वाह, क्योंकि उसके ऊपर फतह है। वा वावूरिया, वावूरिया, हाँ, वाव के ऊपर फतह है। नहीं, अच्छा, ये बस आपको आपको याद है फतहा कसरा और दम्मा शॉर्ट साउंड है, राइट? वावूरिया, और वाव सेकंड वाव के ऊपर लॉन्ग दम्मा है, वो है वो लंबा करना। हाँ ठीक है, तो ये माशाल्लाह आपको याद है। नेक्स्ट वर्ड देते हैं, नेक्स्ट वर्ड यस्तावूना, बिल्कुल। तो यस्तावूना इसमें जो है क्या है, या के ऊपर फतह है शॉर्ट साउंड, सीन के ऊपर सुकून है जो या के साथ मिलेगा, ता के ऊपर फतह है, वाव के ऊपर लॉन्ग दम्मा है उसको लंबा करेंगे, और नून के ऊपर फतह है। ठीक है, वाव के ऊपर लॉन्ग दम्मा इसको लंबा करेंगे, नून पे फतह। जज़ाकअल्लाह नसरीन जी, थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़ जी। नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल इंशाल्लाह हम लेंगे, और लेसन नंबर 15 इंशाल्लाह उनके लिए है। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से हैं? बाला से नज़ना में हल्के फोन पर सलाम जी। अफनान बेगम जी, अफनान नाम मिसेस एल बेगम, एन बेगम जी, एन बेगम, एल एल बेगम, एल, अच्छा एल बेगम, एल, यस एल बेगम, कार्डिफ नानी जी, आई कार्डिफ। अच्छा माशाल्लाह, ओके वेरी गुड, राइट, मिसेस एल बेगम के लिए कार्डिफ से हैं जी। जी नेक्स्ट वर्ड स्क्रीन आई बो इंशाल्लाह अदा करो का प्लीज, लेसन 15। उम्मातन, हाँ, तो अच्छा मीम लंबा नहीं क्योंकि मीमर ऊपर है फतहा, उम्मातन, उम्मातन। अच्छा रूल्स प्लीज एक्सप्लेन हर बार रूल्स, रूल, हाँ, अलिफ ऊपर है, हमें तो उधरता बुजुर्ग ना जानदम ना किता। अच्छा अलिफ ऊपर कौन साइन, साइन एकटा दम्मा, दम्मा, दम्मा मानी पेश, पेश। अच्छा और मीम ऊपर है तशदीद, तशदीद और फतह, और फतहा जी, तो तशदीद। अच्छा दम्मा और फतहा, दम्मा और फतहा रूल, दम्मा और फतहा रूल, शॉर्ट साउंड, शॉर्ट साउंड जी, आवाज शॉर्ट हुई बो लेके रखबा प्लीज। और मेवर ऊपर है तशदीद, तशदीद रूल, दुई बार गुन्ना होरा, ना ना गुन्ना ना, डबल लेटर मीम दुई बार अदा होरा, मीम ट्वाइस आई बो, टू टाइम्स, उम्मा, उम्मा जी, तो मीम, मीम ऊपर है तशदीद, दैट मींस डबल लेटर डबल साउंड ना, ओके। और थार ऊपर है, थार ऊपर दुई बार फतह। अच्छा तो इधर है तनवीन फतह, तनवीन जैसे हम ले हम तनवीन, तनवीन फतहा। अच्छा तनवीन फतहा रूल, तनवीन फतहा रूल रैंडम ना रूल। अच्छा तनवीन फतहा रूल शॉर्ट साउंड और नून साउंड दे, नून साउंड, उम्मतन, था नूनर आवाज आए, नूनर आवाज आए ना जी, जी, तो तनवीन फतहा रूल शॉर्ट साउंड एंड नून साउंड। अच्छा मेमर उफर तशदीद दैट, तो लिहाजा उम्मतन मीमे गुन्नोइबो, उम्मा गुन्ना, तशदीद मेमर उफर आइले या नूनर उफर आइले तशदीद गुन्ना होए, उम्मा, ओह यस जी, ओके लवली। नेक्स्ट वर्ड प्लीज, ओके
आई से ना तो वाले वाले लुटिमा वाले वाले लुटिमा वाले उतिमा वाले उतिमा हाँ वाले उतिमा अच्छा कसरा अच्छा लाम वावर उफर है कसरा वावर उफर है फतहा फतहा अल्लाम निस है कसरा कसरा वाले उ और हाँ अलिफर उफर है फेश दम्मा दम्मा तो कसरा फतहा कसरा दम्मा रूल शॉर्ट साउंड Short sound. जी, अबे last word आपने रखी थी। फता कसरा दम्मा rule short sound. जेचा. Okay, फता कसरा दम्मा short sound आवाज short रखबा लंबा ना है. जेचा. Okay, और मिमरुफरे? मिमरुफरे तशदीद. तशदीद. तश. हाँ, तशदीद. तशदीद rule. Double letter, double sound. अच्छा आर कोनो रूल आसे ए वर्ड है वाली उतिमा मुद्दे मुंतासिर नहीं नहीं वाली उतिमा मीमे गुन्ना गुन्ना बिकॉज़ मीमे रूफ़र तश्दीद मीमे रूफ़र तश्दीद गुन्ना तिमा तो मीम आर मीमे रूफ़र या नून रूफ़र तश्दीद आइले गुन्ना इबो वाली उतिमा वाली उतिमा हाँ तो याद ठीक है से माने ये तो याद है से ना ओके नेक्स्ट वर्ड ओके वाय आइसन ना उधर बो तावल 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 ओ तावल लाओ ओ ना तावल ओ ना तावल लाओ तवल्लाव हाँ तवल्लाव जो तवल्लाव रूल तारुफ़रे फता हाँ वारुफ़रे फता हाँ तारुफ़रे फता वारुफ़रे फता शॉर्ट साउंड ठीक लामोरुफ़रे लाम निकले लामोरुफ़रे जो लाम ताशीद डबल लेटर डबल साउंड हाँ वारुफ़रे सुकून हाँ सुकून रूल सुकून रूल और लगे ये खालिफ ना सुकून सुकून रूल एर आगे लाम लाम और शाते मिले जोइन होए सुकून मींस अगर लेटर और शाते मिला या फोरा जी है तवल्लाव ठीक तवल्लाव ओके अरे वाव वाव लीन वाव वाव लीन वाव इलो वाव लीन बिकॉज़ वाव साकिन और वाव साकिन और आगे लाम और ऊपर है फतहा लिहाजा वाव वाव लीन ए वाव नाम वाव लीन वाव लीन जी खने वाव लीन रिपीट है हाई बनी एक टाइम हुजूर जो इंशाल्लाह कौन दिन एक टाइम रिपीट रिपीट मे बी ना रिपीट नहीं ना सैटरडे इंशाल्लाह सैटरडे जी Saturday, Saturday, and every day, dekhba call diba, inshallah, okay? Jecha huzur, te ami program to shashari phonam khoitam barse. Ikta ami phoram ke diantam bari na dua haranjan. Inshallah, Mondays and Tuesdays call diba. Mondays and Tuesdays. Tuesday. Oh, program oni ofta. Ji, absolutely ji. Jecha huzur, shashni oi sini huzur kisu. Alhamdulillah, thik ase, very good. Dua haranjan huzur. Inshallah, inshallah, Allah Hafiz. हाँ जी नेक्स्ट कॉल नेक्स्ट व्यूअर पे चले अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम और सलाम जी मैनचेस्टर से हां मिसेस खान है मिसेस खान मैनचेस्टर खैरियत से जी अल्हम्दुलिल्लाह आप क्या हाल कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक अगर आप ठीक है तो हम भी ठीक है वो तो लग रहे हैं ना ठीक ही हां नहीं नहीं वो बस है कुछ जी बीमार हो जाते हो ना नहीं बीमार नहीं है असल में क्या है ये मैं जो है ना 12 महीने अगर चल लोग हे फीवर से सफर करते हैं सिर्फ स्प्रिंग और समर में और मैं जो है ना 12 मंथ सफर करता हूँ मैं भी 12 हाँ तो ये जरा अजीब व गरीब इसका अजीब व गरीब यस्टरडे मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक था आज सुबह उठ के इतने दफा मैंने स्नीज किया जिस वजह से अभी बिल्कुल सत्यानाश लेकिन कोई बात नहीं ठीक है मिस्टर खान आपके लिए लेसन 15 पेश करते हैं
औफू जी जी औफू जी ठीक है तो औफू में क्या है इस पे वाउलीन है वाउलीन है ठीक क्यों क्यों वाउलीन इस पे पहला फतह आगे दमा ठीक है नहीं पहला वाव के ऊपर सुकून और इससे पहले फतह है इसलिए औफू ठीक है और कुछ और फा पे फतह दमा और वाव लीन है या वाव मद्दा है वाव मद्दा है फा को लंबा करने फा को लंबा करेंगे इसलिए कि वाव मद्दा है ठीक है इस मद को क्या कहते हैं इसको वाव मद नहीं मत को कहते हैं ये जो औफू ये जो लंबा करते हैं औफू इसको तो मत असली तबी कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी नेक्स्ट वर्ड प्लीज यू खाजू जी युखाजु में क्या है या पे दम है और हमजा पे सुकून है तो या को लंबा करेंगे तो यहाँ पर लंबा नहीं लिहा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि हमजा है सेकंड जो लंबा हर्फ, नहीं वो सेकंड हर्फ हमजा है तो लंबा कैसे करेंगे यहाँ अच्छा फिर नहीं लंबा करना आप फिर नहीं करना तो युखाजु में और क्या है और खा फुल मौत लेटर इसमें सिफत इस्तेआला ठीक है नेक्स्ट वर्ड तुम ठीक है नेक्स्ट वर्ड प्लीज युहिब्बुत्तव्वाबीना हाँ युहिब्बुत्तव्वाबीना तो इसमें क्या है रूल्स इसपे वापे दम्बा भी है और शाद भी है डबल लेटर डबल साउंड है तो और ता पे भी डबल लेटर डबल साउंड है वा पे भी फतह है और शाद भी डबल लेटर डबल साउंड है बे के नीचे कैसे चाहिए बे नहीं है बा है बा 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 या मद है तो इस बा को थोड़ा लंबा करेंगे बा को लंबा करेंगे क्यों मद्दे असली तबी है ठीक है और कुछ और ये अच्छा युहिब्बुत्तव्वा अत्तव्वाबीन में जो अलिफ लाम है ये अलिफ जो है ना अत्तव्वाबीन में जो अलिफ है अलिफ ये हमजा वसल है और लाम का इदगाम है लिहाजा ता शमसी हर्फ है ता शमसी लेटर है ना हाँ युहिब्बुत्तव्वाबीन जी जी Okay, Mrs. Khan, thank you so much. Shukriya, beta. Allah Hafiz. Allah Hafiz, ji. Allah Hafiz. Next viewer, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ji, kahan se? London, take matra mami. Jafnan naam? Ar Khanum. Ar Khanum. Ji. Ji, bala sun Ar Khanum. Ji, bala. Apna to wala. Alhamdulillah, ji. Let's have for Ar Khanum, please. Lesson 15, ji. रूल्स प्लीज एक्सप्लेन खुरबा रूल्स हाँ अच्छा तो फतहा रूल शॉर्ट साउंड हाँ जी फॉर फारे सुकून फार आगे अलिफ 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 मुद्दा नाम अलिफ साइलेंट है ना साइलेंट बिकॉज फार शाथ मिलबो तो लिहाजा अलिफ मिडल है साइलेंट साइलेंट रूफे फाथा ओके शॉर्ट साउंड लाम रूफे दम्मा वाव सुकून लाम वावरे
हाँ लाम वार साथे मिलबो मिलबो अच्छा वार उफ्रे सुकून दैट्स व्हाई तो अच्छा रूल ऐ ऐ वाव आर कोनो रूल ओ वाव मध्य मध्य असली तभी मध्य तभी हाँ बिकॉज लाम लाम फॉर वाव मद्दा ना यस এইটা ওয়াও ওয়াও মদ তো লাম লাম বইবো আর এই মদের নাম মদ আসলি তাবিঈ মদ আসলি তাবি হ্যাঁ জি ফা ফাল ভেরি গুড নেক্সট ওয়ার্ড প্লিজ ফর আর খানম জি হ্যালো জি জি নেক্সট ওয়ার্ড স্ক্রিনে আছে জি ওয়াশ ওয়াশরাবু ওয়াশরাবু জি রুল ই ওয়ার্ডে ওয়ারে ফাথা ওয়াফে ওয়ার সিনসদে জয়েন্ট হইব আহা রার উপরে আচ্ছা আর আলিফ মিডল আচ্ছা আলিফ সাইলেন্ট গুড রার উপরে ফাথা আহা বার উপরে সুকু আচ্ছা রার উপরে ফাথা রাইট তো ফাথা রুল শর্ট সাউন্ড এন্ড ফুল মাউথ আর রা ফুল মাউথ খনে রা ফুল মাউথ বিকজ রার উপরে ফাথা রাইট গুড নেক্সট ও বার উপরে দাম্মা ওয়ার উপরে সুকুন আহা বা ওয়ার সাথে জয়েন্ট হইব রাইট আর আর কোন রুল ও বা ওয়াও মধ্যে আসলি তাবিঈ বিকজ ইট ওয়াও মাদা তো বালাম বইব ইয়া মধ্যে আসলি নেক্সট প্লিজ নেক্সট ওয়ার্ড মিলিত হইব রুফরে ফাথা শর্ট সাউন মেমো রুফরে ফাথা আর মেমো খান্দা আলিফ আর খোল দিব ওকে আল্লাহ হাফিজ নেক্সট কল আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া সালাম জি কহাঁ সে হ্যায় বর্মিংহাম সে আই বেগম বোল রহি হুঁ মেনে পহলি দফা কল কি হ্যায় ক্যা নাম হ্যায় আই বেগম জি জি আপ খরিয়ত সে হ্যায় জি আল্লাহ কা শুকর আপনে ফার্স্ট টাইম আলহামদুলিল্লাহ ফার্স্ট টাইম কল হ্যায় জি ফার্স্ট টাইম কল কিতনা আরসে সে আপ দেখ রহি হুঁ শোর শো তো মে কাফি আরসে সে দেখ রহি হুঁ কবি দেখতি হুঁ কবি নাহি দেখতি হুঁ আসি বাস বিজি রহতি হুঁ আপ আপ তো মে বহুত নার্ভাস হুঁ আগে अच्छा अब नर्वस क्यों हैं पता नहीं क्यों हां मुझे भी नहीं पता क्यों नर्वस हैं मैं भी खुद नर्वस होता हूं हर रोज यहां पे बैठता हूं शाम को भी सुबह को मैं खुद नर्वस होता हूं जी जी अच्छा कोई बात नहीं आई बेगम जी आपके लिए आज जो हैं कुछ अल्फाज लेसन 15 से हाजिर करते हैं अभी स्क्रीन पे जी और है हारूता हाँ तो इसमें क्या है हा के ऊपर फतह है शॉर्ट साउंड सही और रा के ऊपर दमा है सही और अच्छा हा क्यों अच्छा ये देखिए हा के ऊपर फतह आपने कहा ना जी तो हा के बाद और रा से पहले क्या है ए लाम है ए लाम है ना अलिफ है अलिफ अलफ हा के बाद और रा से पहले अलिफ है अलफ है जी ए अलफ तो उस अलिफ के बारे में कुछ बताएं हा को थोड़ा लंबा करना है हाँ क्यों अलिफ को क्या कहते हैं अलिफ हा के साथ थोड़ा मिलाना है हाँ वो तो है लेकिन अलिफ को कहते क्या है नाम क्या है अलिफ मद्दा है अलिफ मद्दा अलिफ मद्दा अच्छा इसको आप लिख कर रखिए अलिफ मद्दा और ये प्रॉब्लम है ना मैं लिख भी नहीं सकती हूँ ना अच्छा जी ठीक क्यों कलम नहीं है कलम नहीं है नहीं मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ इतनी अच्छा मैं भी नहीं हूँ पढ़ी लिखी हूँ क्यों मैं भी ऐसे ही बस कर लेता हूँ आप भी कर लीजिए जी कौन सी बड़ी बात है हाँ ये देखिए हा के बाद अलिफ मद्दा है जी। इसको आप याद रखिए फिर जुबानी याद रखिए अलिफ जो है ना ये अलिफ मद्दा है जी
अलफ मदा जी। हारू तो फिर हा को लंबा करेंगे जी, और इस लंबाई को कहते हैं मद असली तबीई। मद असली तबीई, हाँ, जो मद जो असल, असली का मतलब असल मद जी, और तबीअतन, तबीअतन अरब में तबीअतन इसको वो वैसे भी लंबा करते हैं जी, इसलिए इसको तबीई कहते हैं जी, जो मुताबिक तबीयत हो जी, ऐसे तो मद असली तबीई इस मद को कहते हैं। मद असली तबीई, हाँ जी, हाँ। अच्छा, उसके बाद रा के ऊपर दम्मा आपने कहा जी, रा के ऊपर दम्मा ना वो भी शॉर्ट साउंड है और वाव के ऊपर सुकून है, और रा को सुकून के वाव के साथ मिलाना है। हाँ ठीक है, तो रा के ऊपर दम्मा है जी, तो इसका मतलब है कि रा फुल माउथ भी है जी, क्योंकि रा के कायदे में रा के ऊपर अगर दम्मा हो या फतहा हो जी, रा के ऊपर अगर दम्मा हो या फतहा हो, या रा से पहले अगर दम्मा हो या फतहा हो, तो उस रा को पूर आवाज से अदा करते हैं जी, ठीक जी। और आपने कहा रा के बाद वाव साकिन जी, तो ये वाव भी वाव मद्दा है जी, तो रा को वाव के साथ मिलाना है ना। हाँ, मिलाएं, वो मिलाना है क्योंकि रा वाव पे सुकून है जी जी, और चूंकि वाव मद्दा है तो इस रा को लंबा भी करेंगे जी, क्योंकि ये देखिए हरूफ मद्दा तीन हैं, कितने हैं, तीन, अलिफ से पहले फतह जी, जैसे हारूता में देखिए अलिफ से पहले हा के ऊपर फतह है जी, और वाव मद्दा है, वाव से पहले दम्मा, देखिए रा के ऊपर दम्मा है कि नहीं जी जी, हाँ, और या मद्दा या से पहले कसरा जी, तो कुरान में जहां पर भी अलिफ मद्दा आ जाए, वाव मद्दा आ जाए, या मद्दा आ जाए, इनसे पहले जो लेटर्स हैं उनको लंबा करें। अच्छा ठीक है, तो हारूता में हा को लंबा करेंगे, अलिफ मद्दा है जी, रूता में रा को लंबा करेंगे, वाव मद्दा है, वाव मद्दा जी, और ता के ऊपर क्या है, ता के ऊपर भी फतह है, शॉर्ट साउंड है, शॉर्ट साउंड है, ठीक है। तो ये देखिए आपको पता है फतहा कसरा दम्मा तीनों शॉर्ट साउंड है जी, सुकून को पहले हर्फ से मिलाते हैं जी, और क्या अलिफ मद्दा आ जाए तो उससे पहले हर्फ को लंबा करते हैं जी, वाव मद्दा आ जाए उससे पहले हर्फ को लंबा करते हैं, या मद्दा आ जाए उससे पहले हर्फ को लंबा करते हैं जी, ठीक जी। लवली, नेक्स्ट वर्ड हारूता। अच्छा, इसके बाद युफर्रिकूना में क्या है, या के ऊपर दम्मा है शॉर्ट साउंड, और फा के ऊपर भी फतह है शॉर्ट साउंड, और रा के ऊपर तनवीन दम्मा है, रा के ऊपर तशदीद है और तशदीद तशदीद का क्या रूल है, तशदीद का फा को तशदीद के साथ मिलाएंगे ना रा को, हाँ, तो तशदीद का मतलब है डबल लेटर, मतलब रा को दो दफा पढ़ना है, ठीक है जी, रा को दो दफा जी बुलाएंगे, रा को दो दफा क्या करेंगे, सॉरी, चाहिए देखिए रा के ऊपर तशदीद है जी जी, तो तशदीद का रूल क्या है, डबल साउंड डबल लेटर, हाँ, तो फिर रा को कितने दफा पढ़ेंगे, रा को एक दफा पढ़ेंगे ना, नहीं दो दफा पढ़ेंगे, आपने खुद का डबल लेटर डबल साउंड फिर कहते हैं एक दफा, दो दफा पढ़ेंगे, हाँ, तो रा अगर लिखने में एक है, देखने में लिखते हैं एक रा, पढ़ते हैं दो रा जी जी, और रा के नीचे कसरा है, राइट जी, तो उसका क्या मतलब, रा बारीक आवाज है, बारीक आवाज, युफर्री, अच्छा आगे चले युफर्रिकूना, हाँ, तो उसमें क्या हो रहा है, काफ के ऊपर दमा है और वाव के ऊपर सुकून है, सुकून है जी, काफ को वाव के साथ मिलाना है, हाँ, और इस वाव के बारे में हमने क्या कहा था, जिस वाव से पहले दम्मा हो, वाव लीन है, वाव मद्दा, वाव मद्दा, वाव लीन वो है, तो जो मुझे प्रॉब्लम है ना, मुझे याद नहीं रहती है ना, ये जो रूल्स है ना, ये मुझे याद नहीं रहते, ये चूंकि आप लिख भी नहीं सकते, इसलिए आपको ये देखिए आपको याद रखना ये जरूरी, आहिस्ता आहिस्ता जो है आप, ये इसके लिए जरूरी है कि आप हर रोज देखें जी, वेरी मच, क्योंकि आप लिख नहीं सकती, देखना और सुनना हर रोज आपके लिए बहुत जरूरी है जी, तब जाके आप इसको मेमोराइज कर पाएंगे आप जी, ओके, याद, युफर्रिकूना में काफ को लंबा करेंगे इसलिए कि वाव मद्दा है, वाव मद्दा है जी, और ये वाव मद्दा क्यों है, मैंने कहा आपको कि वाव से पहले दम्मा है जी जी, ठीक है जी, और काफ भी फुल माउथ है जी,
کیوں فل ماؤتھ ہے, پر آواز کیوں ہے قاف؟ کیونکہ اس میں استعلاء کی صفت ہے. استعلاء اس میں کیا ہے؟ استعلاء کی صفت ہے. ہاں صفت ہے استعلاء ہے. ٹھیک ہے آئی بیگم, جب دوبارہ کل کیجئے کال. جی انشاءاللہ. اوکے اللہ حافظ جی, تھینک یو سو مچ جی. ناظرین وقفے کے بعد آپ کال کیجئے, اینڈ آفٹر دا بریک لیسن 15 کو ہم کنٹینیو رکھیں گے, وی ول موو ڈیفینیٹلی انٹو لیسن 16. امید تو یہی ہے, اور شام کا جو ٹائم ہے جہاں پر ہم سٹاپ کریں گے شام کو وہی سے شروع کریں گے, تو لہٰذا آپ شام کو بھی دیکھیں اینڈ کیپ اے ٹریک آن واٹ وی ڈو انشاءاللہ. اور رولز آپ بتاتے رہیں, بٹ مور ٹو کنٹینیو, آپ سے اور سنیں گے, اور ورڈ سنیں گے, اور رولز سنیں گے, ایکسپلین صحیح کریں. اور جن کو لکھنا نہ آتا ہو پھر آپ دیکھیں پلیز سنیں, ہر روز دیکھیں, ہر روز سنیں, اینڈ ٹرائی ٹو ریمبر. وقفے کے بعد ملتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان.